नमस्कार, आप सभी को जय श्री कृष्ण। आज के वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। पिछले कुछ वीडियो में मैंने आपको बताया, समझाया कि भगवान कल्कि किस प्रकार से चौथे आयाम में आ चुके हैं और चौथे आयाम में जो है भयंकर महाभारत का युद्ध चल रहा है, जिसे आप कल्कि महाभारत कह सकते हैं, जिसे आप कल्कि युद्ध कह सकते हैं। तो उसमें जो है दैत्यों और देवताओं में भयंकर युद्ध चल रहा है, जिसका नेतृत्व जो है भगवान कल्कि कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं इसमें जो है धीरे धीरे अब असुरों की पराजय भी हो रही है, राक्षसों की हार भी हो रही है। तो हम यहाँ पर यह चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिर पृथ्वी जो है वो चौथे आयाम में कैसे जाएगी। देखिए, धीरे धीरे जो है पृथ्वी चौथे आयाम में अवश्य जाएगी, क्योंकि अभी वर्तमान में जहाँ पर हम रहते हैं, जिस अवस्था में पृथ्वी है, उसे आप तीसरा आयाम कह सकते हैं। तो धीरे धीरे जो है पृथ्वी चौथे आयाम में भी जाएगी, परंतु आज के वीडियो में हम यही समझेंगे कि आखिर वो प्रक्रिया क्या होगी जिसके माध्यम से जो है पृथ्वी धीरे धीरे चौथे आयाम में जाएगी। तो आपको हम विस्तार से आज बताएंगे कि पृथ्वी किस प्रकार से चौथे आयाम में जाएगी। पहले हमें आयामों के विषय में थोड़ा समझना होगा कि आयाम होते क्या हैं। तो देखिए, आयाम जो है वो आप कह सकते हैं कि एक ब्रह्मांड ही है। जैसे ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी कुल तीन आयामों में है। जैसे मान लीजिए पृथ्वी का जो ऊपरी छोर है वो पहला आयाम है, ये दिशाएं आप दूसरा आयाम कह सकते हैं, और जो हम धरातल देखते हैं इसे तीसरा आयाम कह सकते हैं। तो तीनों ओर से जो है पृथ्वी दिखती है, जिसे हम तीन आयाम वाली पृथ्वी कहते हैं। परंतु इससे भी आगे बहुत सारे आयाम हैं। शास्त्रों में तो कुल आठ आयामों की चर्चा की गई है, परंतु यदि हम देखें तो कई स्थानों पर कई सारे आयामों की भी चर्चा की गई है। परंतु यदि हम वेद की बात करें, अपने शास्त्रों की बात करें, तो इसमें कुल आठ आयामों की चर्चा की गई है। तो कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि आठ आयाम है। इन आयामों का तात्पर्य यही है कि मानव जो है एक आयाम से निकलकर दूसरे आयाम में जाया था, जो हमारी आत्मा है वो किस प्रकार से मोक्ष तक जाएगी। कहा जाता है कि आठवें आयाम में ही भगवान रहते हैं, आठवें आयाम में ही श्री हरि रहते हैं। तो ये जो शरीर है वो तीसरे आयाम तक ही सीमित है। हमारा जो भौतिक शरीर है, इसकी संरचना ऐसे की गई है कि ये तीसरे आयाम तक ही सीमित रह सकता है। यदि हम चौथे आयाम में जाना चाहते हैं तो इसके लिए हमें दूसरा शरीर धारण करना होगा, जिसे शास्त्र ने दिव्य शरीर कहा है, जिसे शास्त्र ने दिव्य दृष्टि भी कहा है। कि देखिए, जो ये शरीर है ये सक्षम नहीं है कि वो चौथे आयाम में चला जाए। तो साधना के माध्यम से, योग साधना के माध्यम से हम धीरे धीरे जो है चौथे आयाम तक जा सकते हैं। इतना ही नहीं, यदि हम साधना के उस स्तर पर पहुंच जाए तो हम आठवें आयाम तक ही जा सकते हैं। और एक बड़ा अच्छा प्रश्न भी हमारे पास आया था कि क्या इसी जन्म में हम आठवें आयाम तक जा सकते हैं। जैसे मैंने एक वीडियो में बताया था कि आठवें आयाम तक जाने के लिए बहुत से जन्म लेने पड़ते हैं। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि हम आठवें आयाम तक इस जन्म में नहीं पहुंच सकते। शर्त यह है कि क्या आप उस स्तर तक पहुंच पाए, क्या आपने साधना के माध्यम से अपने आत्मा को उतना शुद्ध बना लिया कि आप आठवें आयाम तक जा सकते हैं। चूंकि हम भौतिक शरीर में, और स्वाभाविक सी बात है कि भौतिक शरीर में जब हम रहते हैं तो बहुत सी विकृतियां हमारे भीतर आती है, बहुत से ऐसी विचारधारा हमारे भीतर जो हमारे भीतर कुंठा पैदा करती है। और जब हमारे भीतर कुंठा, द्वेष, ईर्ष्या इत्यादि ये सब चीज़ें जो विकार आते हैं, तो निश्चित रूप से इसके माध्यम से जो है हमारा जो आत्मा है, जो शुद्ध है, जो पवित्र है, वो भी दूषित होता है। तो वो जब जब दूषित होता है, तब तब वो सक्षम नहीं हो पाता कि वो परमात्मा तक जा सके। तो पहला शर्त यही है कि हम स्वयं को कितना शुद्ध बना पाते हैं, स्वयं को कितना पवित्र बना सकते हैं। देखिए, ये जो शुद्धता है, ये जो पवित्रता है, वो विचारधारा के स्तर पर है, न कि शरीर के स्तर पर। जिस प्रकार से हम अपने शरीर को प्रत्येक दिन साफ करते हैं, प्रत्येक दिन स्नान करते हैं, तो ये तो हमारे भौतिक शरीर की सफाई हो गई, ये तो हमारे भौतिक शरीर की शुद्धता हो गई। परंतु हमारे आत्मा की शुद्धता तब होगी जब हम अपने विचार को स्वच्छ करेंगे। स्वच्छ कैसे करेंगे? हम अपने भीतर यदि अच्छे अच्छे विचार डालें, अपने भीतर यदि सत्संग रूपी विचार डालें, तो निश्चित रूप से धीरे धीरे हमारी जो आत्मा है वह शुद्ध होगी और हमारा विचार भी शुद्ध होगा। और हम ऐसे वातावरण में अपना जीवन यापन करें जहाँ केवल शुद्ध विचार ही है। कहीं ना कहीं वातावरण का भी एक बड़ा प्रभाव हमारे जीवन में होता है। हम जिन लोगों के साथ रहते हैं या फिर जिस वातावरण में रहते हैं, उसी प्रकार से हमारा जो विचारधारा है वह बन जाता है। तो इसमें महत्वपूर्ण ये है कि हम एक अच्छे वातावरण में रहें, हम एक अच्छे विचारधारा में रहें, तो धीरे धीरे हम अपने आप को शुद्ध कर पाएंगे। और जब हम स्वयं को शुद्ध कर पाएंगे तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आप उन आयामों तक भी जाने में सक्षम होंगे। तो पहला चरण यही होता है कि हम तीसरे से चौथे आयाम में जाएं। तो इस प्रकार से जो है आयामों की चर्चाएं की गई है शास्त्रों में। तो अब चर्चा करते हैं कि आखिर पृथ्वी जो है वो चौथे आयाम में कैसे जाएगी। तो देखिए, पृथ्वी के चौथे आयाम में जाने की प्रक्रिया एक या दो दिन की नहीं होगी। ये प्रक्रिया जो है एक बहुत ही लंबे अंतराल के लिए होगी, यानी कई वर्ष लग जाएंगे इसमें। और इसकी प्रक्रिया बड़ी ही सरल होगी कि पृथ्वी पर उस दौरान क्या होगा कि बड़े स्तर पर भूकंप आएंगे, बड़े स्तर पर प्रलय जैसी स्थिति होगी और पृथ्वी स्वयं को जो है एक नया रूप देने में लग जाएगी। तो यही प्रक्रिया वो होगी जहां से हम देखेंगे कि पृथ्वी चौथे आयाम में जाएगी, यानी कि
आप देखते होंगे कि जब वसंत ऋतु आता है तो प्रत्येक चीज नवीन हो जाता है। आप देखते होंगे कि वृक्ष की जो पत्तियां हैं वो झड़ने लगती हैं और उस पर नवीन जो है वो पत्तियां आने लगती हैं। तो इस प्रकार से सूक्ष्म रूप में पृथ्वी कहीं ना कहीं स्वयं को जो है शुद्ध कर रही होती है, कहीं ना कहीं एक से दूसरे आयाम में जा रही होती है। हम इसका उदाहरण ये समझे कि प्रकृति जो है एक वातावरण से दूसरे वातावरण में जा रही होती है, एक काल से दूसरे काल में जा रही होती है। अर्थात यदि शरद ऋतु है तो पृथ्वी ग्रीष्म ऋतु की ओर जा रही होती है, वसंत ऋतु की ओर जा रही होती है। तो ये सूक्ष्म आधार पर पृथ्वी जो है स्वयं को ढालती है, स्वयं को बदलती है। तो इसी प्रकार से बड़े स्तर पर बदलाव होंगे। तो जब ये सभी घटनाएं पृथ्वी पर घट रही होंगी उसी दौरान जो है बड़ा परिवर्तन आएगा। उसी दौरान पृथ्वी धीरे 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 जो है तीसरे आयाम से चौथे आयाम की ओर जाएगी। इसका अनुभव हमें बहुत ही कम होगा क्योंकि हम, जैसा मैंने बताया कि हम भौतिकता में हैं। तो जो व्यक्ति साधना उस दौरान कर रहा होगा, जो व्यक्ति साधना के मार्ग पर चल रहा होगा और यदि वह एक पड़ाव भी पार कर चुका होगा अर्थात तीसरे से चौथे आयाम में जाने में सक्षम हो चुका होगा, तो उसे ये सभी चीज़ें पता चल पाएंगी कि किस प्रकार से पृथ्वी जो है तीसरे से चौथे आयाम में जा रही है। उसे ये समझ में आने लगेगा कि पृथ्वी जो है किस प्रकार से धीरे धीरे चौथे आयाम में जा रही है। और चौथे आयाम में जब पृथ्वी चली जाएगी, देखिए जैसा मैंने बताया कि इसमें बहुत समय लगेगा, तो आप ये कल्पना मत कीजिए कि पृथ्वी अतिशीघ्र जो है चौथे आयाम में जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा। धीरे धीरे ये प्रक्रिया होगी, एक समय आएगा जब हम इसका अनुभव कर सकते हैं। संभव है कि तब तक हमारा जीवन भी समाप्त हो जाएगा, संभव है कि हम तब तक इस धराधाम में ना रहे, परंतु यही वो प्रक्रिया है जो मैं आपको बता रहा हूँ, यही वो प्रक्रिया है जिसके माध्यम से धीरे धीरे पृथ्वी जो है तीसरे से चौथे आयाम में जाएगी। यदि हम बात करें कि क्या ये प्रक्रिया अभी प्रारंभ हो चुकी है, तो देखिए ये प्रक्रिया जो है ये अभी प्रारंभ हो चुकी है। आप अपने आसपास देखिए कि किस प्रकार से पिछले कुछ समय में जो है प्राकृतिक घटनाएं घट रही हैं, और ये घटनाएं जो है छोटे मोटे स्तर पर नहीं घट रही हैं, ये घटनाएं कहीं ना कहीं बहुत ही बड़े स्तर पर घट रही हैं जिसका अनुभव हम स्पष्ट रूप से कर सकते हैं। तो अब ये प्रक्रिया जो है प्रारंभ हो चुकी है और कुछ समय बाद जो है आप देखेंगे कि धीरे धीरे पृथ्वी जो है चौथे आयाम की ओर चली जाएगी। ये तीसरा आयाम समाप्त हो चुका होगा, एक नया आयाम आएगा और चौथे आयाम जब पृथ्वी जाएगी, जैसा मैंने पिछले कुछ वीडियो में बताया है कि उसी दौरान जो है भगवान कल्कि भी यहाँ पर आएंगे। यानी कि भगवान कल्कि तीसरे आयाम में नहीं आएंगे, पृथ्वी स्वयं को उस स्तर पर ढाल लेगी। यानी कि आप कहिए कि पृथ्वी जो है तीसरे से चौथे आयाम में जाएगी और तब हम वह कल्कि महाभारत देख पाएंगे, तब वह कल्कि महाभारत का अनुभव कर पाएंगे। और उसी दौरान जब पृथ्वी चौथे आयाम में जा रहेगी, उसी दौरान बहुत से राक्षस मर जाएंगे। अर्थात वो लोग जो राक्षसी प्रवृत्ति के हैं, वो लोग जो भगवान को नहीं मानते, वो लोग जो कहीं ना कहीं कौरव पक्ष में हैं, आप देखेंगे कि उनका नाश हो चुका होगा और जो कुछ बचे होंगे वो उस युद्ध में मारे जाएंगे। तो इस प्रकार से सज्जनों की रक्षा करेंगे भगवान। इस प्रकार से पृथ्वी धीरे धीरे जो है चौथे आयाम में जाएगी और हम तीसरे आयाम से निकलकर चौथे आयाम में चले जाएंगे। तो हमारा कर्तव्य ये है कि हम इस दौरान जो है साधना के मार्ग पर चलें, हम इस दौरान योग साधना करें। जब हम योग साधना करेंगे तो हम अपने मन को नियंत्रित कर पाएंगे, हमारे मन में जो कुंठा है वो समाप्त होगी, हम स्वयं को जान पाएंगे। देखिए हमारे भीतर परमात्मा है परंतु हम जान नहीं पाते चूंकि हम उस प्रक्रिया को कभी करते नहीं, इसीलिए जो है परमात्मा का अनुभव हमें नहीं हो पाता। परंतु ये शरीर जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे भगवान भगवत गीता में भी अर्जुन जी को कहते हैं कि अर्जुन इस युद्ध के पश्चात तुम तो रहोगे परंतु यह तुम्हारा शरीर नहीं रहेगा। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि तुम्हारी आत्मा तो अवश्य रहेगी परंतु यह शरीर नहीं रहेगा। तो भगवान आगे भी कहते हैं कि यह जो भौतिक शरीर है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वह स्वयं का उद्धार करे, स्वयं की चिंता करे। उसका उद्धार कोई दूसरा नहीं करेगा, वह स्वयं ही अपना उद्धार कर सकता है। तो इस प्रकार से भगवान भगवत गीता में भी एक स्थान पर यह संकेत दे रहे हैं कि किस प्रकार से हम स्वयं के उद्धारक बन सकते हैं और उसका एकमात्र मार्ग यही है कि हम साधना करें, हम पहले स्वयं को जानें, हम जो है योग साधना के माध्यम से समझें कि आखिरकार हम कौन हैं और हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है। भौतिकता से थोड़ा परे होकर, भौतिकता से थोड़ा आगे जाकर हम स्वयं को जान सकते हैं। यह बहुत कठिन कार्य नहीं है। यदि हम इसका अभ्यास करें, निरंतर इसका अभ्यास करें, तो देखेंगे कि धीरे धीरे हमारे भीतर वह परिवर्तन आएगा और देखेंगे कि धीरे धीरे हम उस मार्ग की ओर बढ़ चले हैं, उस परमात्मा की ओर बढ़ चले हैं जिसके लिए हमारा जन्म हुआ। तो ये जो भौतिक शरीर है, देखिए भक्तों, ये भौतिक शरीर जो है केवल भोग के लिए नहीं बना है। देखिए ये जो शरीर हमें मिला ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमारा यह कर्तव्य है कि हम भगवान तक पहुंचे, हम भगवान तक स्वयं को ले जाएं, तभी कहीं ना कहीं मानव जीवन सफल हो सकेगा, अन्यथा यह जो हमारा जीवन है वह व्यर्थ ही चला जाएगा। तो इसीलिए जो है इस प्रकार की साधनाओं के माध्यम से हम धीरे धीरे जो है भगवान तक पहुंच सकते हैं। और जहां तक बात है पृथ्वी की, तो पृथ्वी इसी प्रकार से जो है तीसरे से चौथे आयाम में जाएगी और धीरे धीरे यह परिवर्तन होगा। इसमें बहुत ही समय लगेगा और हम देखेंगे कि धीरे धीरे पृथ्वी उस प्रक्रिया में जाएगी
और इसका प्रारंभ जो है वो हो चुका है। तो आशा करता हूँ कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी तो इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि यह जानकारी सभी तक पहुँचे कि आखिर पृथ्वी पर ये सभी घटनाएं क्यों घट रही हैं और पृथ्वी आखिर कब चौथे आयाम में जाएगी। हम जुड़ते हैं अति शीघ्र। तब तक यदि हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं, क्योंकि समय समय पर हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसी ही जानकारियां देते रहते हैं। बहुत से लोग हमारी वीडियो तो देखते हैं परंतु सब्सक्राइब नहीं करते, तो आप सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, क्योंकि ऐसी जानकारियां आपको बहुत ही कम मिल पाती हैं जो आपके जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम जुड़ते हैं, तब तक भजन करते रहिए, सेवा करते रहिए। आप सभी का धन्यवाद।